हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। और वेलकम है आपका अपने ही चैनल पर बाराबंकी ब्लॉगर गीता शुक्ला के साथ। तो ये जो छोटू सा नन्हा मुन्ना मेहमान देख रहे हैं, वो अभी अभी हमारे घर में खुशियां लेकर आया है। और ये अभी 12 दिन के हैं, बहुत छोटे से ज्वारों की गोद में हैं। और ये छोटे से क्यूट से बाबू हमारी ननंद की जिठानी के बाबू हैं। ये है मेरी ननंद रुचि, जो छोटे बाबू को गोद में लिए हुए हैं। और ये भी सिर्फ 12 दिन के हैं। और आज है बरहे की पूजा, जो बच्चे के 12 दिन के हो जाने के बाद रस्म निभाई जाती है। और ननंद की ससुराल है, सभी लोग इनवाइट थे तो सभी लोग पहुंच चुके हैं। और घर में रखी गई है छोटी सी पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा बच्चे के होने पर। और ये मेरी ननंद रुचि की ननंद है, जिनके भी 6 महीने पहले शादी हुई है। आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें इनकी पूरी शादी की वीडियोस पड़ी हुई हैं। और ये कथा में बैठे हैं, क्योंकि ये छोटे और चाचा चाची हैं, क्योंकि मुन्ने की माँ अभी कथा में नहीं बैठ सकती, इसलिए मुन्ने के पापा बैठे हैं पूजा पर। और दादाजी गोद में मुन्ने को लेकर बैठे हैं। और कथा हवन हो जाने के बाद आरव बंधवा रहे हैं अपने हाथ पर कलावा पंडित जी से। कथा हो जाने के बाद मुन्ने के मम्मी पापा ने लिया अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद। और कथा हो जाने के बाद सबने खिंचाई यादगार फोटो। ये हमारी प्रिंसी है अपनी सास के साथ, और आरव अपनी प्रिंसी बुआ के साथ मस्ती करते हुए, साथ में उनके दादाजी। ये न्यूली मैरिड कपल हैं, हमारी ननद रानी प्रिंसी और उनके हस्बैंड विनय जी। प्रिंसी अपनी सास की बहुत ज़्यादा दुल्हरी हैं, उनकी सास उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। वो भी क्यों ना, अभी 6 महीने ही पहले शादी हुई है और वो भी बाहर रहती हैं, छुट्टी मिलने पर ही आई हैं, तो अभी बिल्कुल नई नई सी हैं, सबको बहुत प्यार आता है इन पर। और ये विनय और प्रिंसी कुछ यादगार पल कैमरे में कैप्चर करते हुए। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। और प्रिंसी की मम्मी और भैया बैठे हैं मेरे हस्बैंड पीली टी शर्ट में। फिर प्रिंसी की मम्मी, बड़ी दीदी और भाभी ने दिया नई बनी मम्मी को आशीर्वाद। और ये प्रिंसी की जिठानी है ब्लू साड़ी में, जिनको छोटा सा मुन्ना सा बाबू हुआ है अभी। और बाबू है हमारी ननद रुचि की गोद में, और सबको उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने में मज़ा आ रहा है। और आंटी ने मुन्ने की मम्मी को ढेरों आशीर्वाद दिया, गले लगाया। और फिर सिलसिला शुरू हुआ फैमिली फ़ोटोग्राफ का। ये प्रिंसी और उनकी सास और फैमिली। और पिक में जो मुन्ने की मम्मी है, उनके मायके वाले भी और उनकी मम्मी पिंक साड़ी में हैं। और फंक्शन के बाद सबको लगाई थी भूख, तो सभी इकट्ठे हुए हॉल में और खाना शुरू हुआ। हम लोगों को देर हो गई थी, तो मेहमान जा चुके थे, ज़्यादातर हम ही लोग थे घर वाले सब। तो सभी घर वालों ने ही एक साथ बैठकर खाना खाया, बातें की, बहुत आनंद आया। अपनों के साथ, परिवार के साथ बिताए गए पलों का फ्रेंड्स आनंद ही कुछ और होता है। खाना बहुत ही अच्छा बना था, मीठे में गुलाब जामुन था, कोल्ड ड्रिंक आप देख ही रहे हैं, पूड़ी कचौड़ी, धनिया के आलू, रायता और सूखे आलू, और मटर पनीर की यम्मी यम्मी सब्जी। खाने के बाद पूरा परिवार इकट्ठा था फ्रेंड्स, तो सबकी इच्छा हुई कि क्यों ना साथ फैमिली फ़ोटोग्राफ खिंचवाई जाए। ये बहुत ही प्यारा मोमेंट था सबके लिए, क्योंकि सबको कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि जब सारे लोग एक साथ हों, तो हम सब साथ थे और सबने मिलकर खिंचाई फ़ोटो। आरव की शैतानियाँ चालू थीं, क्योंकि सभी बाबू के आने से बहुत खुश थे, क्योंकि उनके घर बहुत दिनों बाद एक खुशी आई थी। और खुशी के पल हों, ढोलक ना बजे, दो गीत ना हो, लेडीजे इकट्ठी हों, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये प्रिंसी की सास लेकर बैठ गई हैं ढोलक, और बैठा लिया है सबको। हालांकि रात बहुत हो चली थी, फिर भी सबका मन हुआ कि दो शगुन के गीत तो गाए जाएं। तो शगुन के सोहर तो बनते ही थे, सो हम उनको मना नहीं कर पाए और हम सब बैठ गए। और कुछ छोटे छोटे दो चार गीत ही हो पाए, लेकिन हुए और सबको बहुत आनंद आया। कुछ क्लिप हैं दो एक गानों की, पूरा शूट नहीं किया था मैंने। आगे की क्लिप में कुछ छोटी सी क्लिप्स मैं देती हूँ, जिन्हें आप देखिए और सुनिए, और आप भी सुनिए और आनंद लीजिए, हमारी खुशी में शामिल हो जाइए, बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। और देखिए और नोटिस कीजिए, मैंने और मेरी ननंद रानी ने पहना था आज एक ही कलर का सूट। Thank you.
आप सब भी दीजिए छोटे बाबू को ढेर सारा आशीर्वाद। और अगर ये छोटू सब ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन पुश कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय।